सहनावत सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत् पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। तो बृहदारण्यक उपनिषदना त्रिजा अध्यायनु प्रथम ब्राह्मण त्रिजो त्रिजी कंडिका याज्ञवल्क्येति होवाच यदिदं सर्वं मृत्युना आप्तं सर्वं मृत्युना अभिपन्नं केन यजमानः मृत्योः आप्तिम् अतिमुच्यते इति होत्रा ऋत्विजा अग्निना वाचा वाग्वै यज्ञस्य होता तद्या इयं वा सोऽयमग्निः स होता स मुक्तिः सा अतिमुक्तिः। तो जनक राजानो होता जे आश्वर हतो हिम्मत कर आगड़ो याज्ञवल्क्य ने आठ प्रश्न कराया। याज्ञवल्क्य संबोध्य ह्यादौ अष्टा अथौ अकरोद अष्टौ अथ अकरोद याज्ञवल क्या प्रकार है दरेक दरेक वक्त संबोधन कर याज्ञवल के याज्ञवल के याज्ञवल के आ प्रकार है दरेक वक्त संबोधन कर दे। आदो अष्टौ अथा करो प्रश्न कराने आठ प्रश्न पूछा तत्रापि चत्वारः अतिमोक्षाः माना चार प्रश्नों से अतिमोक्ष संबंध में से संपद पर है बीजा चार प्रश्नों से इस संपद उपासना संबंध में से। तो आप वाँचो याज्ञवल्क्य इति होवाच आश्वर्य कहो हे याज्ञवल्क्य यदिदं सर्वं मृत्युना आप्तम कि जगत में जे कहीं से बधु मृत्यु से व्याप्त से मृत्यु अधीन से सर्वं मृत्युना अभिपन्नम मृत्यु बधी वस्तु ने घेरी न रहेलू छे जगत में जे कहीं से ये मृत्यु से व्याप्त छे અને મૃત્યુ સર્વને ઘેરીને રહેલું છે બધું મૃત્યુને અધીન છે મૃત્યુ સદા ઘેરીને રહેલું છે કેને યજમાન હવે કલ્પના કરો કે યજ્ઞ થઈ રહ્યો છે યજ્ઞમાં બધા ઋત્વિજો છે ઋગ્વેદના ઋત્વિજને હોતા કહેવામાં આવે યજુર્વેદના ઋત્વિજને
अध्वर्य कहवामां आवे, सामवेद ऋत्विक ने उद्गार कहवामां आवे अने अथर्ववेद ना ऋत्विक ने ब्रह्मा कहवामां आवे। तो आ प्रकार यज्ञ यजमान से जेने आ जेना माटे आ समग्र यज्ञ थई रह्यो छे। अमे एवी व्यवस्था छे के कर्म करती वक्त ऋत्विजो ध्यान पण करे, तो ए ध्यान नु फळ कोने मळे? कर्म नु फळ जेवी रीते यजमान ने मळे तेवी रीते ऋत्विजो जे ध्यान करे तेनु फळ पण यजमान ने मळे। के यजमान मृत्यो आपति मति मुच्यते इति, तो यजमान से यज्ञ करनार यज्ञ करावनार क्या साधन वडे ए मृत्यु से मुक्त थई जाय? एवो प्रश्न करे। होत्र ऋत्विजा अग्निना अध्यात्म अधिदेव अधियज्ञ। अध्यात्म व्यक्तिगत स्तर है वाणी से, अधिदेव देवदान स्तर है वाणी ना अधिष्ठान देवता अग्नि से, अधियज्ञ यज्ञ स्तर है एक पेलो होता है। आ प्रकार त्रण अध्यात्म अधिदेव अधियज्ञ। तो कहू के होत्रा ऋत्विजा, तो यज्ञ में जो ऋत्विक से जो होता से अधियज्ञ से अग्नि स्वरूप से अग्निना वाचा एज वाणी से एज अग्नि से एज होता से तद्या इयम वाक स्वयं अग्नि ही। तो आज वाणी से एज अग्नि से एव अग्नि ही सो होता अग्नि से एज होता से। आ प्रकार त्रणनु ऐक्यनु ध्यान करू ए ध्यान समुक्ति ही, ए ध्यान मुक्ति से, ए ध्यान ना परिणाम है आ वाणी जैसे अग्नि स्वरूप ने प्राप्त करे। तो जो फल मळे ए अति मुक्ति से, साधन से मुक्ति से, फल जैसे ये अति मुक्ति से। आ प्रकारे बधा चार प्रश्न करवामां आव्या, ए दरेक नी अंदर आ प्रकारनी एक एक त्रिपुटी छे। बीजा प्रश्नमां छे अहोरात्रयो सर्व अहोरात्राभ्याम आप्तम सर्वहोरात्राभ्याम अभिपन्नम। पहला मृत्यु कहू, पछी अहोरात दिवस रात कया कि जगत में जे कई छे ये दिवस रात वे ना वशमा छे, दिवस रात वे घेरायेलू छे, तो यजमान दिवस रात थी मृत्यु माथी केवी रीते मुक्त थई शके? तो कहू अध्वर्युणा ऋत्विजा चक्षुषा। अध्वर्यु ऋत्विक जैसे अध्वर्यु चक्षुषा अने आदित्येन, तो त्यां बीजी जोड़ी कहेवामां आवे, बीजी त्रिपुटी कहेवामां आवे के चक्षु जैसे ए अध्यात्म छे, आदित्य छे अधिदेव छे, अने जे अध्वर्यु छे ए अधियज्ञ छे। तो आवा त्रणना ध्यान थी आप समझीशु दिवस रात रूपी मृत्यु ने ये पार करी जाए छे, तो आ उपासना से मोक्ष से मुक्ति छे, फल से अति मुक्ति छे। क्यों वाले छे कि आज व्यक्तिगत स्तर वाणी मात्र व्यक्तिगत स्तरे होय छे, मृत्यु छे परिच्छिन्नत्व। आ वाणी जे छे एने कारण अग्नि पण व्यक्तिगत स्तरे जे परिच्छिन्न थई गयो, એટલે ઉપાધિમાં અહંભાવને કારણે મનુષ્ય પરિચ્છન્ન અનુભવ કરે છે એ જ મૃત્યુ છે। ઉપાસનાને કારણે વાણી જયારે અગ્નિ સાથે તાદાત્મ્ય કરે એટલે વાણી વ્યાપ્ત થઈ જાય, આ વ્યક્તિગત અગ્નિ છે સમસ્ત અગ્નિ જયારે વ્યાપ્ત થઈ જાય ત્યારે એ પરિચ્છિન્નારૂપે મર્યાદિત પ્રાણરૂપે મૃત્યુથી મુક્ત થઈ જાય। તો આ રીતે અધ્વર્યું ચક્ષુના આદિત્ય। પછી ત્રીજું पूर्व पक्ष अपर पक्षाभ्याम आप्तम, पूर्व पक्ष अपर पक्ष सुदन वद, तो के शुक्ल पक्ष ने कृष्ण पक्ष वे बधु व्याप्त छे। तो यजमान एना थी केवी मुक्त थाय? तो कहू उद्गात्रा ऋत्विजा, उद्गाता सामवेद नो पंडित, पछी
वायुना प्राणेन अप्राण अने वायु अप्राण से ए अध्यात्म से वायु से अधिदैव से अने उद्गाता अधियज्ञ से चौथो जुदा प्रकार प्रश्न से तो जो छठी कंडिका से आप वाँचे याज्ञवल्क्येति होवाच यदिदम् अन्तरिक्षम् अनारम्भणम् इव केन आक्रमेण यजमानः स्वर्गं लोकम् आक्रमते इति ब्रह्मणा ऋत्विजा मनसा चंद्रेण मनोवैयज्ञस्य ब्रह्मा तद्यत् इदं मनः सोऽसौ चंद्रः सब्रह्मा स मुक्तिः सा अतिमुक्तिः इति अतिमोक्षाः अथ संपदः। अपनी सस्तु साहित्य नु सुंदर पुस्तक मळे छे आम जा आपणे बृहदारण्यक उपनिषद नु एटले ए मेळवू सहेलू पडशे। ए हमणां नवुं छपायुं छे मानुं छुं, तो जे लोकोने जोईतुं होय ए लोकोए महेन्द्रभाई लालाणी नाम लखावी देजो, तमे मंगावी आपशे। याज्ञवल्क्येति होवाच, हे याज्ञवल्क्य, यदि अंतरिक्षम अनारंभणम इव, अंतरिक्ष आकाश में चढ़वानो कोई आधार जो तो देखातो नहीं, स्वर्ग में सीढ़ी कई है तो आधार जो तो क्या देखातो नहीं। केन आक्रमेण यजमान स्वर्गम लोकम आक्रमते इति, तो यजमान से क्या आधार चढ़ने स्वर्ग में जाए, वो प्रश्न सब। ब्रह्मणा ऋत्विजा मनसा चंद्रेण, ब्रह्मा ऋत्विक छे, अथर्ववेद नो पंडित छे, मनसा अध्यात्म, चंद्रेण अधिदैव, मनो यज्ञस्य ब्रह्मा, आ मन छे यज्ञ नो ब्रह्मा छे, तद्यत् इदं मनः सोऽसौ चंद्रः, आज मन छे ए चंद्रमा छे, सब ब्रह्मा एज ब्रह्मा से सब मुक्ति ही साति मुक्ति ही। आ प्रकार ना ध्यान से आ यजमान ध्यान जे ऋत्विक करे ब्रह्मा एना परिणाम है जे ब्रह्मा जे यजमान से इस स्वर्ग ने प्राप्त करे। आ प्रकार है अति मोक्ष मोक्ष अति मोक्ष नो प्रश्न चार था अथ संपद है, त्यार विचार प्रश्न से इस संपद उपासना ने विषय मान। આ એટલું બધું મહત્વનું નથી, માટે ગ્રંથકાર બહુ સંક્ષેપમાં પતાવી દે છે, જે વસ્તુ ઉપયોગી હોય ને એને વિસ્તાર કરશે, આ એટલું ઉપયોગી નથી માટે આને હું સંક્ષેપમાં પતાવી દઉં કહેશે, એને ન્યાય તો આપશે પણ સંક્ષેપમાં। જો આપણે પુસ્તકના 182 પાના પર तो बीजे पैरेग्राफ छे नी त्रीजी पंक्ति में इस प्रसंग में मोक्ष से कहा है उस उपासना को जिससे कर्मनिष्ठ लोगों के वाग आदि प्राण सीमितता रूप मौत से परे हो जाते हैं। प्राण में वाणी पढ़ावी जाए, चक्षु पढ़ावी जाए, मन पढ़ावी जाए, प्राण पढ़ावी जाए, तो इस सीमित रूप मौत छे, मौत कहू छे मृत्यु सीमितता, आ वाणी कहो, चक्षु कहो, प्राण कहो, मन कहो, बदा एक व्यक्तिगत रूप में सीमित छे, ए मृत्यु छे। ए प्रकार की उपासना जेनाथी आ मृत्यु थी पर थई जाय, उस मोक्ष उपासना डे साधन, उस मोक्ष से उत्कृष्ट अतिमोक्ष, त
तो जो उपासना ए मोक्ष से फल जैसे अति मोक्ष जिसमें वाघ आदि अपने व्यापक रूप अर्थात अग्नि आदि अधेय रूप से स्थित रहते हैं। आज होता से एज वाणी से एज अग्नि से हम त्रैन ऐक्य होता प्रकार हूं जो होता है सु ए वाणी सु अग्नि सु साधन बुद्ध उपासना मोक्ष और फल उससे श्रेष्ठ अति मोक्ष है। उपासना साधन से मोक्ष क्या मैं फल जैसे अति मोक्ष क्या मैं चढ़िया कुछ मारे भाई संपद उपासना में से संपद कहते हैं किसी समानता के आधार पर निकृष्ट को उत्कृष्ट समझना। तो वाणी ने अग्नि काम आयु वह संपद ले जम के श्री कृष्ण की प्रतिमा हो श्री कृष्ण ने ध्यान करो इन्हें संपद उपासना कह श्री कृष्ण की प्रतिमा ने श्री कृष्ण मानवा इन्हें प्रतीक उपासना कह पर श्री कृष्ण की प्रतिमा ने श्री कृष्ण मानवा इन्हें संपद उपासना कह। जैसे श्राद्ध में अन्न को अमृत और ब्राह्मण को विष्णु समझा जाता है श्राद्ध में अन्न ने अमृत मानवामां आवे अने ब्राह्मण ने विष्णु मानवामां आवे जिससे श्राद्ध कर्म की सामर्थ्य बढ़ जाती है। कर्मांग उपासना छे संपत्ति में कर्म एक अंग छे एना पर दर्शायेली उपासना छे जेने कारणे कर्म सामर्थ्य वधी जाय छे। पछी आगळ वांचीए तो आश्वलकृत प्रथम प्रश्न चार प्रश्न यो थे अग्निहोत्रादि कर्म यद्यपि ऋत्विक आदि साधनों से संपन्न होता है तथापि हम कर्म तो छे बद्दू बड़ा साधनों से संपन्न छे छता परिच्छेद के प्रति हेतुभूत प्रमाद रूप मृत्यु से व्या प्रमाद वै मृत्युरहम ब्रवेमी अप्रमाद कहो अविद्या कहो अध्यारोप कहो उपाधि में अहम भाव कहो इन्हें प्रमाद क्या मावे हो इन्हें मृत्यु क्या मावे उपाधि में अहम भाव से परिच्छेद अर्थात सीमितता के मर्यादित प्राणी आगे जन्मावे से इन्हें बदला समग्र जगत आ प्रकार मृत्यु से व्याप्त है मृत्यु ने वशमा है घेरायेल से। तात्पर्य है कि शास्त्रविद करने करने से इंद्रियों की शास्त्रविद प्रवृत्तियां निवृत्त हो जाती है। हम तो कर्मणा मृत्यु कर्मणा मृत्यु कर्म से मृत्यु न तरी जाए अविद्या मृत्यु तीर्त्वा विद्या अमृतमश्नुते। तो आज कर्म से वैदिक कर्म करवाने कारण के विहित कर्म करवाने कारण अपने अपने मन ने काबू में रखो पड़े अंतर्मुख बनाव पड़े अब मन स्वाभाविक बहिर्मुख प्रवृत्ति से मेरी मुक्त सही है मन अंतर्मुख बने ये प्रकार मुझे मृत्यु शास्त्र विरुद्ध प्रवृत्ति करवानी जो एक एक, एक स्वभाव है से शास्त्र विरुद्ध प्रवृत्ति करवाना स्वभाव है। शास्त्र युक्त शास्त्र सम्मत प्रवृत्ति करवी हो तो आत्मसंयम जो ये जरा अघरो मानस सामने वासना प्रेरित कर्म करते हो मोटे में शास्त्र विरुद्ध हो एक मृत्यु तो शास्त्र विहित कर्म करवा मृत्यु से जाने पार थी जाए फिर भी सीमितता हूँ आ उपाधि में सीमित छु ये तो ये जत नहीं विद्या अमृत मश्नुते उपासना से ये सीमितता रूप मृत्यु से पार कर जाए। ये कैसी उपासना है जिससे यजमान जो कुछ परिच्छिन्न है उस सबको छोड़कर असीम फल पाए प्रश्न करेंगे भाई ये कई उपासना है जिस यजमान अपरिच्छिन्न दाने प्राप्त छोड़ने असीम दाने प्राप्त करें ये प्रश्न करो दिन रात रूप काल से सब सीमित है इससे परे जाने का क्या उपाय है। प्रसंग शुक्ल पक्ष न कृष्ण पक्ष न पूर्व पक्ष अपर पक्ष
शुक्ल पक्ष ने कृष्ण पक्ष रूपी कान ये सीमा छे एने केवी रीते पार करी जवाय। चौथु वर्तमान शरीर छोड़कर यजमान किस सहारे से इस शरीर आकाश में जाता है। पछी आगे कैसे याज्ञवल्क्ये क्रमशः सारे प्रश्न उत्तर आप अध्यात्म जो यजमान वाणी से इन अधिदैविक रूप से अग्नि यज्ञ में इन रूप से होता हरियज्ञ होता कौन कहवा ऋत्वेग न जानकार ऋत्वेग न होता कहवा होता कर्म कालामां दृष्टि बनावे छे आ प्रकार ध्यान करे छे कर्म करती वक्त हूँ जो अग्नि छू ये यजमानी वाणी छू तो हूँ अग्नि छू यजमानी वाणी नु अदैविक रूप छू यजमानी वाणी ये छे ये वास्तव में अग्नि छे ते हूँ होता छू यजमानी वाणी छू एज अग्नि छू आना फल स्वरूप यजमान असीम फल प्राप्त कर ले छे। चक्षु सूर्य ने अध्वर्य न अभेद अनुसंधान जो अध्वर्य अर्थात यजुर्वेदी ऋत्विक करे तो दिन रात न यजमान इन्हरी मुक्त सही जाए। प्राण वायु न उद्गाता उद्गान करते वक्त प्राण नहीं जरूर पड़े जो चिंतन अभेद अनुसंधान जो साम वेद नो ऋत्विक उद्गाता करे तो शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष बंधनी सीमा ने ये पार कर दिया। मन चंद्रमा ब्रह्मा ब्रह्मा अथर्वेद नो ऋत्विक छे मन अने एनु अधिष्ठान देवता चंद्रमा आ प्रकारनी अभेद अनुसंधान करवा आवे तो ब्रह्मा जे त्रण वेद नो जानकार कहो अथर्वेद नो जानकार तो यजमान आकाश में जवा माटे ए आश्रय प्राप्त कर ले छे। चलो पहला आपणे आटलू वाँचीए अहीं एक सौ ने त्यासी मां पाना पर एक सौ ने सत्यावीस मां श्लोक तो टीकाकार कैसे तत्र अतिमोक्ष विषय अतिमोक्ष विषय कंडिका चतुष्टयस्य प्रश्न भागानाम अर्थं संगृह्णाति। एक श्लोक के अंदर आश्वले ये चार प्रश्नों पूछा भला ये चारे प्रश्नों एक श्लोक में समावेश मोक्ष मुक्ति अतिमुक्ति मोक्ष अतिमोक्ष विषय जन छे એવી ચાર કંડિકાઓ છે ત્રણ ચાર પાંચ છ પ્રશ્ન ભાગ છે એનો અર્થ છે એનો સંગ્રહ કરે છે તો એકસો ને સત્યાવીસ ના શ્લોકમાં કહે છે વ્યાપ્તમ હિ મૃત્યુના સર્વમ અન્ના રાત્ર્યા તથૈવ ચ पक्षाभ्याम शुक्ल कृष्णाभ्याम अदस्त्यक्ता कथं भवेत् यजमानस्तथा यायात् केन क्षेत्र निराश्रये। એટલે અહીંયા યાજ્ઞવલ્ક્ય નથી કહેતા, કહી દઉં યાજ્ઞવલ્ક્ય એમ સંબોધન આઠે આઠ વાર કરે છે એટલે ફરી વાર અહીં યાજ્ઞવલ્ક્ય નામ નથી કહેતા, અહી યાજ્ઞવલ્ક્ય સર્વમ મૃત્યુના વ્યાપ્તમ પહેલું છે વ્યાપ્ત મૃત્યુના સર્વ એક અન્ના રાત્રા તથા છે બે પક્ષાભ્યામ શુક્લ કૃષ્ણાભ્યામ ત્રણ અને યજમાનસ તથાયાત કેન ખેત્ર નિરાશય ચાર હિ યાજ્ઞવલ્ક્ય
सर्वम सर्वम एट बधु एट ऋत्विगादि साधने ही संपन्नम अपि कर्म बधु कर्म ऋत्विग ने बदला साधन संपन्न है तो बने कर्म अग्निहोत्रादिक मृत्युना आप्तम श्रेष्ठ कर्म करते वक्त हूँ कर्म करना आ व्यक्तिगत उपाधि में मर्यादित छु ये प्रकार मर्यादित प्रणारूप मृत्यु हो प्रमाद कहो अज्ञान कहो कि अध्यारोप कहो प्रमाद रूपेण परिच्छेद हेतु न व्याप्तमेव तो सीमितता उत्पन्न करवे एवी जातनो आ शू कहे अध्यारोप अध्यास उपाधि में अहम भाव छे अपना में मर्यादित प्रणा लागणी जन्मावे छे यद्यपि शास्त्रोक्त अनुष्ठान अशास्त्रीय इंद्रियादि वृत्ते निवृत्ता हम तो शास्त्रोक्त अनुष्ठान करने कारण अशास्त्रीय प्रवृत्ति करवी न खावानु खाओ न बोलवानु बोलव न करवानु करव वगैरह वगैरह तो ये प्रकार की प्रवृत्ति जे स्वच्छंद प्रवृत्ति से के वासना प्रेरित प्रवृत्ति से ये तो जाने दूर थी जाए शास्त्रोक्त कर्म करवाने कारण शास्त्र नियम पालन करो तो भाई स्वच्छंदता ने स्थान रहते नहीं यद्यपि शास्त्रोक्त अनुष्ठान अशास्त्रीय इंद्रिय वृत्ते निवृत्ता शास्त्रोक्त अनुष्ठान करवाती अशास्त्रीय जे इंद्रिय प्रवृत्ति से बहिर्मुख स्वच्छंद निवृत्त था तथा परिच्छेदो ज्ञान विना न निवर्तते यदि भाव शतापण आ हूँ मात्र एक उपाधि मर्यादित छु ये प्रकार की परिच्छिन्नता तो जहां सुधी व्यापकता नहीं उपासना न करो त्या सुधी न जाए ज्ञान एट उपासना ही आगे पक्षाभ्याम शुक्ल कृष्णाभ्याम अधस्त्यक्ता कथम भवेत अतः परिच्छिन्नम सर्व त्यक्ता त्यक्ता जैसे ने ए त्याग करना इन अर्थ में से त्यज ने तुरंत प्रत्यय लगा रो इन्हें त्यक्ता त्यक्तृ त्यक्ता एक त्रिश प्रत्यय से बीजो तुरंत प्रत्यय से बंधन रूप सरखू जाए पहले अहंकार आत्मा करता है मन्यते त्या मधुसूदन सरस्वती कहते तुरंत प्रत्यय से त्रिश प्रत्यय नहीं त्यक्ता में तृ हो तो ये तो त्यागशील अर्थ थोड़ा जुदो था है कि आ प्रकार त्याग करो जेनो स्वभाव से ने त्यक्ता कहेवाय अपरिच्छिन्न फलगामी यावत अपरिच्छिन्न फल प्राप्त करना बने परिच्छेदतानो त्याग करने अपरिच्छिन्न गुण प्राप्त करे यजमान कथम केन ज्ञान लक्षण प्रकारेण भवेदि प्रथम प्रश्न है अदह यजमान आयजमान जैसे कथम केन प्रकारेण क्या प्रकार की उपासना थी ये आ प्रकार परिच्छिन्नतारूप मृत्यु मासी मुक्त बने ये पहलो प्रश्न है तथा अहोरात रूप कालेन सर्वं परिच्छिन्नम् तेवी रीते दिवस ने रात रूपी जे काल छे पेलू प्रमाद रूपी मृत्यु बीजा काल रूपी मृत्यु दिवस रात दरेक दरेक ने दिवस रात रूपी सीमा पण काल पण सीमित करता होय छे तो यदि क्रम केन ज्ञान दे द्वितीय है दिवस रात्र भी का छे सर ने परिच्छिन्न करे छे ई परिच्छिन्नदार भी मृत्यु यजमान केम रीते ए दिवस रात्र भी परिच्छेद ने पार करिया तथा शुक्ल कृष्ण पक्ष रूप कालेन सर्व परिच्छिन्नम तीर्थ सुवद सुदन वद आ प्रकार शुक्ल पक्ष ने कृष्ण पक्ष तो
इतने ये मर्यादित पणु से क्या मुक्त था तृतीय पक्ष तथा एतम देहम त्यक्त्वा निराशय निरालंबने आकाशे गच्छन् यजमान केन साधन जायात गच्छे चतुर्थ इत्यर्थ। तो एतम देहम त्यक्त्वा आदेह त्याग करिन निराश्रय निरालंबने आकाश यजमान से इस स्वर्गिनी को सीधे देखा रहे थे तो किवीर निराश्रय आकाश से यहाँ पर चढ़ी ने स्वर्ग में किवीर जाए। चार प्रश्न थया एक श्लोक में चार ने आवरी लेवामां आव्या अने एक श्लोक में चार ना उत्तर ना आवरी ले छे। प्रश्न चतुष्टयस्य यथाक्रमं उत्तराणि दर्शयन् इस क्रम में आ चार प्रश्नों ना उत्तर बतावशे। उक्त कंडिका चतुष्टयस्य उत्तर भागार्थं संगृह्णाति। उक्त कंडिका चतुष्टयस्य आगे चार कंडिका त्रण चार पांच छ कहवा आवी दरेक में प्रश्न भाग छे ने उत्तर भाग छे। याज्ञवल्क्य प्रश्न करी याज्ञवल्क्य उत्तर आपे तो प्रश्न भाग छे एनो समावेश 127 श्लोक में करवामां आव्यो। उत्तर भाग ए चार उत्तर आपे छे ये वस्तु नु वर्णन 128 ना श्लोक में करवामां आवे छे। इत्युक्ते इति पछीनो श्लोक में कहे इत्युक्ते क्रमतः प्राह चतुर्णामुत्तरं मुनिः वाक्चक्षुः प्राणमनसाम् अधिदैवात्मना द्विजः होत्रावाध्वर्युणा तद्वत् उद्गात्रा ब्रह्मणापि च। इत्युक्ते आ प्रकार याज्ञवल्क्य ने कहवामां आव्युं पूछवामां आव्युं क्रमतः प्राह चतुर्णाम उत्तरं मुनिः। मुनिए इस क्रम में सारे चार प्रश्न उत्तर आप्या। वाक् चक्षु प्राण मनसाम अधिदैवात्मना द्विजः वाक् चक्षु प्राण मन अधिदैव तो गई आदित्य चंद्रमा अने विश्वदेव वायु ने चंद्रमा अधिदैवात्मना द्विजः होत्रा वा अध्वर्युणा तद उद्गात्रा ब्रह्मणा विच होता है एक अध्ययन करवानु अध्वर्य बीजु उद्गाता है त्रिजु अने ब्रह्मा है साथो। तो कैसे ठीक है का इति आश्वलेन उक्ते पृष्ठे सति इति उक्ते इति आश्वलेन आ प्रमाण आश्वले जाए प्रश्न पूछो त्यारे चतुर्णाम प्रश्नानाम उत्तर जातम क्रमेण मुनि याज्ञवल्क्य आहस्म। तो चाहे प्रश्न नो उत्तर से क्रम थी याज्ञवल्क्य मुनि आप्यो कथम कई तो उत्तर आप जो प्रश्न हो तो सुनो सांभ अध्यात्म या यजमान से वा अध्यात्म अर्थात व्यक्तिगत स्तर है यजमान ये वाणी से तस्य अधिदैव रूप अग्नि ही अधिदैव रूप क्यों से अग्नि तस्यैव अधियज्ञम यज्ञ वर्तमान रूप होता नाम बड़ी पास तस्व अधियज्ञम अधियज्ञ रूप वाणी यज्ञ वर्तमान रूप होता यज्ञ में जो वर्तमान होता से एनु अधियज्ञ रूप वाणी अग्नि अने होता होता नाम ऋग्वेद विद ऋत्विक है ऋग्वेद ना जानना ऋत्विक ने होता क्या मावे एतेषां त्रयाणां अभेद अवगाहिनी दृष्टि होता जैसे
तो होत्रा क्रियमाणा दृष्टि ही दृष्टियों से ध्यान होता प्रकार त्रयना अभेद अनुसंधान करे कह रहे थे अहम अधिदैवाग अधिदैव अज्ञात्मक यजमान वाग रूप अग्नि ही हम अग्नि से यजमान वाग रूप अग्नि ही यजमानी वाणिज्य रूप से ये अग्नि हूं छू तो अग्नि वाणी क्यों रूप छे अधिदेव अधिदेव अज्ञात्मक अधिदेव अग्नि रूप जो वाणी रूप छे ये हूं होता छु हूं होता यजमान वाणी छु जिन अधिदेव रूप अग्नि छे आम यजमान वाणी रूप अग्नि हूं अग्नि वाणी रूप हूं छु जे अधिदेव रूप अग्नि छे इत्याकार होत्रा क्रियमाण दृष्टि ही आ प्रकार होता अभी दृष्टि करे मारी वाणी ने यजमानी वाणी साथे वाणी साथ तादात न करे पछी यजमानी वाणी से वास्तव में अधिदेव अग्नि छे यजमानस्य प्रथम उक्त मृत्यु तरण साधनम तो पहलू जो मृत्यु कहू प्रमाद रूप मृत्यु से तरवा साधन से आ प्रकार अभेद अनुसंधान होता यजमान निवाणी अग्नि वच्चे अभेद अनुसंधान से प्रमाद रूप मृत्यु ने तरवा उपाय कहो इतरदपि भाव आ प्रकार व्यवस्था अन्य त्रण में समझी ले तथा तो कैसे वाक चक्षु प्राणानाम अधिदेव रूपेण अग्नि सूर्य वायवात्मक तो अध्यात्म वाक चक्षु प्राण अधिदेव रूपेण अग्नि सूर्य वायवात्मक वायु अधिदेव रूप से अग्नि चक्षु अधिदेव रूप से सूर्य प्राण अधिदेव रूप से वायु यथाक्रमं ऐक्यम अनुसंधानेन होत्रा धर्मेण उद्गात्रा पहलु होता बीजु धर्यु तीजु उद्गाता चतुर्थीजा यजमान उक्त मृत्यु प्रभृति कृत त्रय कृतम परिच्छेद त्रयम तरते त्रण प्रकार मृत्यु एक प्रमाद सी बीजु अहोरात्र सी तीजु अपर पक्ष ने पक्ष ने अपर पक्ष थी तो परिच्छेद रूप जो मृत्यु से इन्हें तरी जाए तथा मनश्चंद्रात्मक्यम पश्यता ब्रह्मणा हूँ ब्रह्म छू यजमान मन छे चंद्रमा छे ये प्रकार है वे ब्रह्म कौन से वेद त्रय वेदा ऋत्विजा त्रय वेद न जानकर ऋत्विक छे ब्रह्मा छे तद ज्ञान प्रभावेण आकाशे सालंबनो गच्छति तो ब्रह्मा आ प्रकार ध्यान करे एना परिणाम यजमान जैसे इन्हें आधार मिल जाए सीढ़ी मिल जाए स्वर्गनी अध्वर्य उद्गात्र होतारो ये सामृग्विद क्रमादित अमर है अमर कोश में कहू कि अध्वर्य से यजुर्वेद नो उद्गात्र से सामवेद नो होत्र से ऋग्वेद नो क्रमात कई प्रकार है ना पंडित से हमें चार चार संपद रूप आसना कहे पची ना श्लोक पची ना चार मा छिड़क अथवा संपद एटले सातमी कंडिका भी कहे याज्ञवल्क्येति होवाच कतिभिः अयम् अद्य ऋग्भिः होता अस्मिन् यज्ञे करिष्यते इति तिसृभिः इति कतमः तिस्रः
कतमाहतातिस्रह इति पुरोनुवाक्याच याज्याच शस्य एव तृतीया किं ताभिर्जयति इति यत्किञ्चिदं प्राणभृत् इति अश्वनि कहो कति भी अयम अद्य अग्नि ऋग्भी कितनी ऋग तो ही अग्नि बल क्या अद्य एटले आज यज्ञ एटले यज्ञ नी अंदर कति भी ऋग्भी होता अस्मिन् यज्ञ करिष्यति इति अजय यज्ञ में होता कितनी जातनी रुचा वाले स्तुति करशे आज होता ऋग्वेद नो पंडित छे એ કેટલી જાતે રુચા વડે તો એ સ્તુતિ કરશે તો સ્તુતિ કરવી હોતાનું કામ છે આહુતિ આપી અધ્યયનનું કામ છે આવાહન કરવું હોતાનું કામ છે આહુતિ આપી અધ્યયનનું કામ છે દેવતાઓની સ્તુતિ કરવી એ સામવેદનું કામ છે તીસરું બીજી તે તો કહ્યું કે ત્રણ રુચા વડે कतमाह ताहा तिस्रह इति ये त्रण ऋचाओ कही छे भाई तो कहू पुरोनुवाक्या च याज्ञा च शस्य एव पुरोनुवाक्या यज्ञ पहला बोलवानी ऋचाओ ने पुरोवाक्या क्या हमारी याज्ञा यज्ञ चालतो होय ते वक्त बोलवानी ऋचाओ याज्ञा अने शस्य यज्ञ पछी स्तुति करवा माटे बोलवानी ऋचाओ શસ્ય કિમ તાભિર્જયતિ ઇતિ તો એ વેદ મંત્ર વડે તે કોને કોને જીતે છે શું તે શું મેળવે છે યત કિંચેદમ પ્રાણભૃત ઇતિ જે કઈ પ્રાણીનો સમુદાય છે જે કઈ પ્રાણભૃત જીવ વાળું છે તે બધું જ તે મેળવે છે બધું જ જીતી જાય છે પછીની કંડિકા જુઓ યાજ્ઞવલ્ક્યેતિ હોવાચ કતિ અયમ અદ્ય અધ્વર્યુઃ અસ્મિન યજ્ઞે આહુતિઃ હોષ્યતિ ઇતિ તિસ્રૈતિ કતમાસ્તાસ્તિસ્રૈતિ याहुता उज्ज्वलन्ते याहुता अतिनेन्दन्ते याहुता अधिशेरते किं ताभिर्जयति इति याहुता उज्ज्वलन्ते देवलोकमेव ताभिर्जयति दीप्यते इव हि देवलोकः याहुता अतिनेन्दते अतिनेदन्ते पितृलोकमेव ताभिर्जयति इव हि पितृलोकः नहीं ताबे जयति अति वही पितृलोक या होता अधिशेरते मनुष्यलोकमेव ताबे जयति अध इव ही मनुष्यलोक तो आश्चर्य पूछू याज्ञवल्क्य देहो आच हे याज्ञवल्क्य अद्य एटले आजे अध्वर्युः अस्मिन् यज्ञे कति आहुतिः होष्यति इति आजे अध्वर्युः आ यज्ञमां केटली जातनी आहुतिओ आपशे तिस्रः इति तो के त्रण कतमाहतः तिस्रः इति तो ये त्रण जात कई कई
या हुता उज्ज्वलंदी, या हुता अति नेदंदे, या हुता अधिशेरदे, तीन प्रकार न्याह होती। जो अग्नि नाकता भड़को थे सड़गे उठे, एक प्रकार न्याह होती। लाकड़ा ने घी ने अग्नि में नाखो तो भड़को थे ने सड़गे उठे। जो अग्नि में नाकता अति आवाज करे, अमास नंदे नाखो तो कट 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 तजली बढ़े ने, एटले एकदम आवाज करे। तीजी अग्नि नाखता बेसी जाए, दूध ने सोम वगैरह नाखो एटले सीधू अग्नि बेसी जाए। आ त्रण प्रकार की आहुति है। एक प्रकार की आहुति केवी है, अग्नि एकदम प्रज्वलित थाय, बीजा में तड़ 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 आवाज करे, त्रीजा में नीचे बैसी जाए। किम ताबे जय ते ते आहुति वाले तो शु विजय प्राप्त करे, शु मेळवे छे। तो कहू या होता उज्ज्वलंती देवलोक में ताभिर जयती दीप्यते वही देवलोक है। या होते अग्नि नागता भड़को से जाए तेने वाले देवलोक मिले, कारण के देवलोक छे ने ई जाने के प्रकाश तो है वो छे। या होता अति निरंत जी नागता जी खूब आवाज करे भड़ भड़ कड़ कड़ वगैरह, पितृलोक में ताभिर जयती अति वही पितृलोक है। तो ये आहुति थी पितृलोक पर विजय प्राप्त कर, पितृलोक में आवाज बहुत थत है, पितृलोक ने अंदर खूब आवाज थत है। या होता अधिशेर थे अने जे आहुति अग्नि नागता नीचे बेसी जाए मनुष्य लोक ने प्राप्त करे, कारण के अध इव ही मनुष्य लोक है, आ मनुष्य लोक सौथी नीचा जेवो छे। त्रण आहुति पेली त्रण स्तुतिओ अने त्रण आहुति आगळ कहे छे। याज्ञवल्क्ये इति होवाच गतिभिः अयम् अद्य ब्रह्मा यज्ञं दक्षिणतः देवताभिः गोपायतीति एकया इति कथमा सा एका इति मनः एव इति अनन्तं वै मनः अनन्ता विश्वे देवाः अनन्तमेव सतेन लोकं जयते। याज्ञवल्क्य इति होवाच पुषु हे याज्ञवल्क्य अद्य आजे ब्रह्मा यज्ञं दक्षिणतः देवताभिः गोपायति इति। आ यज्ञ में जमणी बाजू में बैठेलो ब्रह्मा छे, ये केटला देवो वाले यज्ञ की रक्षा करशे। एक आया थी एक देवता वाले, कतमा देवता शब्द स्त्रीलिंग छे, कतमा सा एक आये थी एक देवता कयो, संस्कृत में के एक देवता कई पण आपण गुजराती में एक देवता कयो, मन एव थी मन एकलु छे देवता, अनंतम वही मन है, मन के अनंत से कोई पार नहीं, विश्व देवा आ मन ना देव कौन से विश्व देव है, पर विश्व घना बदा देवता अंत नहीं, अनंत में एव सतेन लोकम जयती, एना वे एवं लोक प्राप्त करे से जेनो अंत नहीं। अच्छा ब्रह्मा बच्चे आ गया, बाकी ब्रह्मा चल रहा है। याज्ञवल्क्य इति होवाच कति अयम् अद्य उद्गाता अस्मिन् यज्ञे स्तोत्रियाः स्तोष्यतीति तिस्रः इति कतमास्तास्तिस्रैति प्रोनुवाक्या च याज्या च
यस्य एव तृतीया कृतमाहाताः य अध्यात्ममिति प्राण एव पुरोनुवाकी न पुरोनुवाक्या अपानो याज्य ज्ञान शस्य किं काव्यजयतेति पृथ्वीलोकमेव पुरोनुवाक्यया जयति अन्तरिक्षलोकम् याज्यया द्युलोकम् शस्यया ततो अहोर अश्वर उपर राम याज्ञवल्क्येति होवाच कदि अयम् अद्य उद्गारः अस्मिन् यज्ञे स्तोत्रियाः स्तोष्यतीति अय यज्ञ उद्गार कितली जातना स्तोत्रो गाशे अमेवु चेने के साम वेदना जे गावा से बनी ऋग्वेद ने रुचाओ आचे मोटे भागे ऋग्वेद ने रुचाओ है ने साम वेदना गावा आगे से तो तीस रहे थे त्रण स्तोत्र थे त्रण जातना स्तोत्रो गाशे कतमाहाता तीस रहे थे ये त्रण जात कही गई तो कहो पुरोन वाक्या च याज्ञा च शस्यैव तृतीया तो यज्ञ करता पहला गावन स्तोत्र पुरोन वाक्या यज्ञ चालतो हुए तेरे गावन स्तोत्र तो याज्ञ यज्ञ पची स्तुति करावण गावन स्तोत्र शस्य शस्य कतमा ता यह अध्यात्मविति अशरी न संबंध अंदर ये त्रण स्तोत्रों क्या तो कह प्राण एव पुरोनो वाक्य अपानो याज्ञ व्यान शस्य आ प्राण वायु छे यज्ञ पहला गावन स्तोत्र पुरोनो वाक्य अपान वायु यज्ञ चाल दो तेरे गावन स्तोत्र तो के याज्ञ अने व्यान रे यज्ञ पछि स्वीकार स्तोत्र एटले शस्य किम ताभिर जयते इति स्तोत्र वडे कशु मेळवे छे पृथ्वी लोकमेव पुरोनुवाक्य जयति अंतरिक्षम याज्या द्युलोकम शस्त्रया तो यज्ञ पहला गावाना स्तोत्र पुरोनुवाक्य वाले पृथ्वी ने मेळवे छे याज्ञा वाले ए अंतरिक्ष ने मेळवे छे शस्य वाले स्वर्ग ने मेळवे छे ततो होता अश्वल है ऊपर राम चाहे होता अश्व के अश्व शांत से पशी चार चल बड़े प्रमाण चले पशीना श्लोक में अतः होत्रादीनाम चतुर्णाम संबद्ध रूप ज्ञान विधायक से कंडिका चतुष्ट से अर्थम संगृहणादि होता वगैरह चार जना संपद उपासना करवानी छे एक पर बीजा नो अध्यारोप करना पेला अभेद अनुसंधान तो एक पर बीजा नो अध्यारोप करवानो छे तो इन विधान करनारी आ चार कंडिकाओ छे खरेखर आ बधा संवाद द्वारा खरेखर तो उपासना नु विधान करा मतलब आम करवु जोईए एटले यज्ञ भले आ बधा संवाद छे बंने नो शास्त्रार्थ छे पण द्वारा अहीं कहेवामां आवे छे यज्ञ उत्तरादि कर्म कर दिए वक्त अहोता है अध्वर्य उद्गाता है ब्रह्म है आ प्रकार उपासनाओं करनी जो यजमान ने आ प्रकार फल मे कर्म करवा तो फल मे पर कर्म साथ उपासना करवा फल घणु बधु वधी जाय चतुर्णामे श्लोक कहे छे चतुर्णामपि कर्माणि प्रत्येकं सफलानि च संबद्रूपाण्युवाचासौ तिसृभिस्त्वेवमादिना
चतुर्णामि कर्माणि प्रत्येकं सफलानि च। अयम याज्ञवल्क्य पूर्वत पृष्ठ सन अयाज्ञवल्क्य जिन्हें पहली जन पूछा चतुर्णाम होत्रादीनाम कर्तव्यानि संपद रूपाणि सफलानि कर्माणि तिस्रुभि इत्यादि श्रुति ग्रंथ उवाच ही संबंध। तो आचार्यचार्य जो होता पृष्ठ है ऋत्विग है ये लोग इमन कर्म सफल था क्या प्रकार की उपासना करी जो याज्ञवल के कहू तत्र कति भी रुक जाते भी किम रूपेण चिंतिता भी होता कर्म करोन किम फल साधे प्रश्नोत्तर। कति भी केटली रुक जाते भी केटला प्रकार ने रुचा हो रहा किम रूपेण चिंतिता भी कई रहे चिंतन करें पूर्व वाक्य याज्ञा शस्य एना ये कई से अने एना वाले कई जात अनुसंधान करे तो होता कर्म करे अने फल साधन करे यजमान ने फल प्राप्त था ये थी प्रश्नोत्तर। याज्ञा पुरोन वाक्या शस्य संज्ञा भी सिंगले नाम याज्ञा पुरोन वाक्या याज्ञा शस्य जन नाम चेते यज इति परिशांतरम पठ्यमाना याज्ञ। तो यज एम कहवा है यज इति परिशांतरम यज ए प्रकार है जा रहे है इन्हें आदेश अपमावे त्यार पछी जे रुचाओ पठकार करवा है इन्हें याज्ञ एटले यज्ञ करती है वखत है ये था याज्ञ। अनुब्रूहीति परिशानंतरम पठ्यमान अनुब्रूही हवे तमे स्तुति करो एम कह यज एटले हवे यज्ञ करो ये पछी जे कहेवामां आवे याज्ञा अनुब्रूही चलो तमे पठन करो ये कहे जे पठन थाय ए छे पुरोनु वाक्य एक विश्वास एने पठ्यमान शस्या एक श्वास से बोलवामां आवे शस्या इति लक्षिता भी तृत्व रूप साम्येन त्रिलोक्य रूपतया होत्रा दृष्टा भी आ प्रकार है त्रण सामान्य से त्रण अभी ऋचाओ से त्रण स्तुतिओ से त्रण लोक पण से होत्रा दृष्टा भी आ प्रकार है जारे होता ध्यान कर जारे सर्व प्राण्यात्मक लोकत्रयम यजमान से साधे दीति। तो होता जे आ प्रकार करे जारे त्रण लोक सर्व प्राणी जेमा रहेला छे उ आ त्रण लोक छे एने सिद्ध करे छे एने जीते छे एव मध्वर्युना हुतासु आहुतिषु उज्ज्वलत्व सशब्दत्व अधोगामित्व ही त्रिविधासु आ प्रकार अध्वर्यु जेने आहुति आपे अंतिम वक्ते आ प्रकार नु कर्म करे आ प्रकार उपासना करे होता जारे पोतानु गान गाय त्यारे जे प्रकार की स्तुति करे त्यारे आया थाय अध्वर्यु जरा आहुति आपता हो तेरे पेली तेरे प्रज्वलित आहुति आपे तेरे आहो कटकट करते हो तेरे पेलू नीचे बैसे हो तेरे पेलू अध्वर्युना हुतासु आहुतिषु उज्ज्वलत्व प्रकाशमान शब्दत्व कटकट आवाज था अधोगामित्व नीचे बैसी जाए त्रिविधासु उज्ज्वलत्व आदि साधन में आ त्रण आहुति न समान धर्म धरावना त्रण लोक देव पितृ मनुष्य लोकत्व अध्वर्युणा क्रमेण उद्गात्रा दृष्टासु अध्वर्युणा दृष्टा भी अध्वर्य प्रकार दृष्टि करे तेरे तत् लोकत्रय जय है फलम तेरे आ त्रण लोक से जय प्राप्त करे द्वितीय उत्तर तथा उद्गात्रा गीयमानासु पूर्वोक्त याज्ञादि ऋक्षु ए याज्ञ पुरोन वाक्य शस्य उद्गात आ प्रकार जैसे गातो है तेरे प्राण अपान व्यान रूपतया एक प्राण से एक अपान से एक व्यान से क्रमेण उद्गात्रा दृष्टासु प्राण पर आ प्रकार दृष्टि करे अपान पर पहली दृष्टि करे व्यान पर त्रीजी दृष्टि करे संपद उपासना सतीशु भूराय लोकत्रय जय फलम मणि मणि भूहु भूव स्व आ त्रण लोक विजय प्राप्त करे अनु फल से आ चौथा उत्तर तृतीय उत्तर पर चौथा एवं ब्रह्मणा
ध्यान मात्र व्यापार के ब्रह्मा की कर्म करतो नहीं, ब्रह्मा तो मात्र है ध्यान राखे से। तो ध्यान राखो एक मात्र जो व्यापार से जो ब्रह्मा से आनंद वृत्तिकत्व साम्येन विश्वे देवदया मन से चिंत्यमान है। मन एक देवता से रक्षण करे से, मन में आनंद वृत्ति हो से तो विश्व देवता आनंद हो से, मन चिंत्यमान है आनंद फल जय है। मन आनंद से विश्व देवता आनंद गणिनाशक असंख्य से आनंद फल जय है भवती दक्षिणा कृत ही ऋत्विक भी कृत से कर्मण फल से यजमान गामित्वादि श्रुत। तो खरेखर तो ध्यान करना रहा से ऋत्विक हो फल मन यजमान निकम दक्षिणा कृत ही ऋत्विक भी दक्षिणा वड़े आ ऋत्विक ने खरीद लेवा में आया से माटे जो जे करे फल खरीदना यजमान ने मे कृत से कर्मण फल से यजमान गामित्व एम बधाने कर्म कर्म से फल यजमान प्राप्त था इति श्रुतौ तृतीय उत्तर में दी अच्छे तीजे उत्तर पाएगा। चतुर्णापि कर्माणि प्रत्येकम सफलानि च चार प्रकार कर्म प्रत्येक फल सहित संपद रूपाणि उवाच जे संपद रूपी उपासना करवाने दी याज्ञवल्क्य कहू असौ तिसृभिः त्वेवम् आदिना। तो एवं आदिना त्रण त्रण जात रुचा आवश्य ये प्रकार है इन्हें पर क्या क्या अपने दृष्टि करी ये क्या मांग आश्वल ब्राह्मणा था उपसंहरती आश्वल ब्राह्मण से उपसंहार करे छिल्ला श्लोक में अष्टो प्रश्नान विधायैव सहोतो पर रामः अशक्तो लज्जितः पश्यन् आर्तभागमुखं मुहुः। एवं अष्टो प्रश्नान विधाय आ प्रकार आठ प्रश्नों जैसे स आश्वलः उत याज्ञवल्क्यस्य अजेयताम् अनुसंधानः उपर रामः प्रश्नापारा निवृते आ प्रकार आठ प्रश्नों जैसे पूछा उत्तर प्राप्त हो स होता उपर रामः उत अशक्तो लज्जित पश्चिन आर्भाग मुखम मुहुहु उत्तरता होता है क्या है याज्ञवल्क्य अजेयताम अनुसंधान है आश्वल है अतः याज्ञवल्क्य से अजेय से पराजित ये प्रकार अनुसंधान करना उपर राम प्रश्न व्यापार निवृते ईशांत सही अर्थात आगे प्रश्न करवाना छोड़ दे दो मया अजितम आर्धभाग कथंस्वित एनम जयतु मुं तो जीतना से कोई कहते आर्धभाग से बियो पंडित छे जीते आशय आर्धभाग मुखम पश्यन आर्धभाग मुखम पश्यन मुहु वारंवार ये आर्धभाग ना मुख जो आगे तू कई कर हूं तो ना कही सको हूँ जीती ना सको हवे तू ही नहीं जीती ले ये प्रकार ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांतिः शंकरं शंकराचार्यं केशवं बालरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मने मूर्तिभेदविभागिने व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ शान्ति शान्ति हरि ओम।
श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम।